हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजुहब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.5 के। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 22। यहाँ पे आपको गिवन है इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है 1 - x² इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस a² y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो y1 है उसका जो मतलब है वो क्या है, dy/dx है, और y2 का मतलब है d2y/dx² है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव है। इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूज कर देता है कई बार। आपको अगर पता नहीं होगा तो एक आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये y1 और y2 क्या है यहाँ पर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि इसको हम यूज करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो y हो गया, तो हमें यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रहा है कि d2y/dx² निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा, इसको हम थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x, या फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। कोस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, ये वाला टर्म है, तो कोस ए साइन इनवर्स एक्स इंटू d/dx ऑफ, अब किसका हो जाएगा इसका ए साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा आपका, और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अब dy/dx इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा कोस ए साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे देखो ए आपका बाहर, हमने यहाँ पे लिख लिया है ए को, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 - x², तो ये हो जाएगा 1/1 - x² का अंडर रूट, ये बन गया इसका डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब स्टूडेंट देखो ये 1 - x² क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ पे 1 - x² का अंडर रूट आएगा, उसको भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये सोल्व हो जाएगा, या फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर के इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलो यहाँ पे इसको क्या करें, इसको हम इधर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 - x² का अंडर रूट इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos a साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये स्क्वायर लेते ही क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप 1 - x², अंडर रूट हट गया है, और dy/dx का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा आपका। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी, यानी कि वाई की वैल्यू नहीं रख सकते, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम दूसरे टर्म में लिखें तो देखिए 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर तो वो तो बाहर रख लिया है, और कोस स्क्वायर जो x है उसको क्या लिख सकते हैं 1 - sin² x, तो इसको साइन के टर्म में चेंज कर देंगे 1 - sin² x, तो क्या रहेगा यही रहेगा a साइन इनवर्स x, ये रहेगा, ये हमने कर लिया है। ये हमने क्यों किया है, यहाँ पे देखो अब ये जो वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी, उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं y रख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम y रख देते हैं और फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर ये चल रहा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - इसको y रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y
स्क्वायर, ये बन गया है स्टूडेंट हमारे पास। अब यहाँ पे हमें माइंड में रखना होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, वो करना है हमें ये, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव हमें करना होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो टेकिंग अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, इससे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट को बाहर ले लेते हैं, 1 - x² को। अब सेकंड का डेरिवेटिव देखो, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव 2 dy/dx हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे उस स्टेप को डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में मैंने वो स्टेप आपको बता दिया, तो आप खुद से बढ़ा लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे 2 dy/dx, और dy/dx का डेरिवेटिव जो होगा dy/dx ये हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, d2y/dx², फिर बीच में प्लस, और अब dy/dx का होल स्क्वायर को तो हम बाहर रख देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो d/dx(1 - x²), और अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तो बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2y² - 2y (dy/dx). तो यहाँ पे a स्क्वायर बाहर, इंटू में यहाँ पे माइनस का 2y (dy/dx), ये आपका इसका डेरिवेटिव निकल करके आ गया है आपके पास। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से लिख लेंगे, 1 - x² इंटू यहाँ पे 2, आपका यहीं रहने दो अभी, तो 2 dy/dx, और यहाँ पे इंटू में d2y/dx² प्लस, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 2x (dy/dx² इज इक्वल टू, वहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2a² (y)(dy/dx), ये बन गया है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ ये करना है, यहाँ पे इमेजिन करिए कि y2 की जगह क्या है, d2y/dx² और y1 की जगह है dy/dx, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कैसे लग सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखो y2 यानी कि इसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए, 1 - x² जो है, तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है। इधर भी देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x (y)(1), यानी कि x (dy/dx), तो यहाँ पे भी आपका 2 dy/dx एक्स्ट्रा आ रहा है, और सेम इधर भी 2 dy/dx एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे divide by 2 dy/dx बोथ साइड। तो अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो देखो, ये टर्म कैंसिल, इधर से एक dy/dx और 2 कैंसिल, इधर से 2 और dy/dx कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - x² (d2y/dx² - x (dy/dx), क्योंकि यहाँ से dy/dx एक कैंसिल हो गया है, और इक्वल टू यहाँ पे a² (y) माइनस का रहेगा ये a²y। अब हम इस a²y को इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रूफ में भी इधर ही है ये, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 - x² (d2y/dx² - यहाँ पे देखो x (dy/dx), और ये प्लस का a²y = 0, ये निकल के आ गया है। अब स्टूडेंट्स, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे d2y/dx² को तो रिप्लेस करेंगे y2 से, और dy/dx को हम रिप्लेस करेंगे किससे, y1 से। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में 1 - x² (y)(a²y) = 0, जैसो कि हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमें जो गिवन था ये प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में ये सीधा ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सारे एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर 80% चांस यही होता है कि इसी एक्सरसाइज से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आए। तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत अच्छे तरीके से
इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आपको आते हैं तो आप यानी कि कमेंट कर सकते हैं या अपने डाउट्स पता कर सकते हैं।